नमस्कार साथियों, मैं कन्हैया कुमार, रीजनिंग मास्टर, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी कि आज से जो है प्रैक्टिस सेट का शुरुआत होने जा रहा है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा और प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जो कि आपको SSC GD कॉन्स्टेबल एग्ज़ाम, साथ ही SSC MTS का एग्ज़ाम और RPF का एग्ज़ाम, बिहार SSC RRB NTPC एग्ज़ाम, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, या बिहार DLED का इंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या आप झारखंड DLED का इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अर्थात DLED और BED किसी भी राज्य से अगर आप करना चाहते हो, तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और हाँ, सभी प्रतियोगिता परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है ये हमारा प्रैक्टिस सेट, इसलिए ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिना देरी के प्रश्नों की ओर हम चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे पहला है, नोट करिएगा, समझिएगा कि निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए, जो आपका SSC GD एग्ज़ाम और SSC MTS और बिहार SSC तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसे समझिएगा। असंगत को पहचानना है, सबसे पहले है बड़ा, उसके बाद है आगे, फिर है नीचे, फिर है ऊपर, ठीक है। तो आप लोग अगर जानते होंगे तो हमेशा नॉर्मली लैंग्वेज में रीजनिंग होता है नॉर्मल लैंग्वेज, यानी कि बहुत ही नॉर्मल, उसे समझ गए तो जल्दी बनेगा, नहीं समझे तो बहुत देरी से बनता है, इसलिए समझिए। हमेशा आदमी कहता है कि ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, लेकिन ऐसा होता है कि ऊपर, नीचे, आगे, पीछे के जगह पे, पीछे के जगह पे यहाँ पे बड़ा आ जाएगा, नहीं होगा। तो आगे तो हमारे पास है ही, नीचे भी है, ऊपर भी है, लेकिन पीछे नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सबसे अलग दिख रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही निकल के आ रहा है। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में अगर आपको पहला क्वेश्चन ईजी मिलेगा तो सारा का सारा क्वेश्चन ईजी रहता हो, इसलिए दूसरे प्रश्न को देखिए। उस वेन रेखाचित्र का चयन करें जो दिए गए तीनों वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता हो। विद्यालय है, अध्यापक है और छात्र है, ठीक है। ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विद्यालय, अध्यापक, छात्र, पहला डायग्राम देखिए, एक विद्यालय का ये डायग्राम है, ये अध्यापक का है, ये छात्र का है। तो क्या ये तीनों डायग्राम अलग अलग होना चाहिए? आप अगर खुद अगर देखिएगा तो विद्यालय के अंदर अगर विद्यालय, छात्र और अध्यापक क्या अलग अलग डायग्राम में आना चाहिए? तो कहिएगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारा ऑप्शन है, तो यहाँ से हट जाता है। बी ऑप्शन को देखते हैं, तो बी ऑप्शन में आपका है कि विद्यालय तो दिया हुआ है, विद्यालय के अंदर अध्यापक भी दिए हुए, लेकिन छात्र या अध्यापक में से कोई एक बाहर है और एक अंदर है, तो ये भी डायग्राम आपका यहाँ पे सटीक नहीं बैठ रहा है। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए तो होता नहीं था, ऑप्शन ए बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो क्या होता है कि विद्यालय, विद्यालय के अंदर छात्र, छात्र का थोड़ा हिस्सा अध्यापक में थोड़ा, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। जब भी डायग्राम का क्वेश्चन हो बहुत ईजी से बनता है, बस उसे समझना पड़ता है। अब देखिए ऑप्शन डी को अगर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा विद्यालय का भाग हो जाता है, विद्यालय के अंदर छात्र आते हैं और छात्र के अंदर ही अध्यापक आते हैं, दोनों में कोई संपर्क नहीं होता, बस दोनों विद्यालय के अंदर ही आते हैं, छात्र और अध्यापक दोनों। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही बैठता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि उस विकल्प का चयन करिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो यहाँ पे आपको 6 दे रखा है, 6 के बाद यहाँ पे 50 भी दे रखा है, 50 के बाद आपको यहाँ पे 11 दे रखा है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सी संख्या आएगी ये हमें ज्ञात करना है। तो अगर आप देखेंगे तो 6 का संबंध वही जैसे 50 से बनेगा, वैसे ही 11 को भी सॉल्व करना है। अगर हम 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 आता है, ऐसे तो नहीं हो रहा है। अगर हम 6 को 7 से गुना कर देंगे तो 6 × 7 = 42 और प्लस में 8 करेंगे तो 50 आ रहा है। 11 × 7 = 77 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हमारा आ रहा है, 77 और 85 आ रहा है। तो ये तो हमारा ऑप्शन में है ही नहीं, तो इस हिसाब से हमारा ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसे बनाने के लिए अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, अगर हम ऐसा करें यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इसे और समझिएगा, ये अगर हम ऐसा करें कि 6 तो है यहाँ पे, तो 6 का अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, और 6 का स्क्वायर अगर ले लेते हैं प्लस में यहाँ पे 6 फिर से उतार लेते हैं और 6 + 1 और इसे गुना में अगर 2 करते हैं तो क्या हमारा निकल के आता है, जरा पढ़िएगा तो देखिएगा तो
तो हमारा निकल के आता है यहाँ पे 6 × 6 = 36 आ रहा है। 36 के बाद अगर आपका यहाँ पे प्लस में 6 × 7 = 14 यानी कि 50 हो रहा है टोटल जोड़ के। कैसे हो रहा, तो 6 × 7 = 14 हो रहा है, 14 और यहाँ पे 36 आया था, 14 × 36 50 आ रहा है। तो ये हमारा अगर नेक्स्ट में भी फॉलो करता है तो बिल्कुल सही, अगर नहीं फॉलो करता तो गलत है हमारा। तो क्या करेंगे कि 11 का यहाँ पे लिख लेते हैं, 11 का यहाँ पे हम स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस में यहाँ पे 11 और जोड़ 1 कर लेते हैं और इसे गुना में 2 कर देते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या निकल के आता है। तो 11 को 11 से जब गुना करेंगे तो 121 आएगा, 121 प्लस में 11 × 12 = 12 और 2 × 24 आ रहा है। तो हमारा लास्ट का डिजिट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और लास्ट का डिजिट अगर 5 आएगा तो वो हमारा ऑप्शन सी में है, फिर भी हम इसे जोड़ लेते हैं। तो 121 और 24 को जब जोड़ेंगे तो 121 और 24 145, यानी कि 145 बिल्कुल आपका यहाँ पे केवल और केवल ऑप्शन सी में ही मिल रहा है। इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर बैठ रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये भी आपका SSC GD 2017 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहा था और SSC MTS में 2022 में भी पूछा गया प्रश्न है और RPF NTPC के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वैसे रीजनिंग हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ही रहता है। 25 के बाद 34 चला गया, 34 के बाद यहाँ पे 52 के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद 160 के बाद 304 है। तो इसे कैसे सॉल्व करिएगा। एक बात और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और उम्मीद करता हूँ कि 1K+ व्यूज इस वीडियो पे जरूर आएगा। हाँ, तो जैसा कि यहाँ पे प्रश्न था तो अब इसे बनाने का हम लोग प्रयास यहाँ पे करने वाले हैं, तो समझिएगा और बनाने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले हम इसे जोड़ के देखते हैं कि जोड़ के इसे बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जोड़ने वाला प्रयास सबसे सॉल्व होता है इजी में। तो 25 से जब हमारा यहाँ पे 34 में आ जाएगा तो हम अगर यहाँ पे ऐसा देखिएगा, यहाँ पे अगर हम प्लस में 9 जा रहा है, उसी तरह से 34 में जब 52 चला गया तो प्लस में हमारा यहाँ पे कितना हो रहा है, कहिएगा 18 आ रहा है, कहिएगा ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो है ही, इसके आगे देखिएगा 160 है, यहाँ भी कुछ ज्ञात नहीं हो सकता। अब हम आगे बढ़ते हैं, 160 के बाद 304 है तो यहाँ पे 144 हमारा आ रहा है, 144 यहाँ पे हमारा आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे अगर हम ऐसा देखें कि 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 18 आ गया, ठीक है। तो सेम वैसे ही अगर हम यहाँ पे भी करें कि 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो अब कहिएगा कि हम चलिए 52 में 36 को जोड़ देते हैं, तो 52 में जब 36 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा कि 6 × 2 = 8 और 5 × 3 = 8 88 आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे साइड में नोट करके रख लेते हैं, 88 और यहाँ पे 36 आ गया, गुना 2 किए तो यहाँ पे 36 जोड़े, ठीक है। यहाँ पे जब गुना 2 हम किए तो यहाँ पे क्या किए कि यहाँ पे गुना 2 करने के बाद हम यहाँ पे 36 को जोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 36 जोड़े, ठीक है ना। अब हम अगला देखिएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जब हमने 36 को जोड़ा, नेक्स्ट क्या किया हमने, यहाँ पे इससे इधर जाने के लिए हमने यहाँ पे 36 को ले लिया, ठीक है, 36 को लिया। अब 36 को जब 2 से गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा। अब नेक्स्ट में हम 72 जोड़ के देखते हैं, यानी कि 88 में जब 72 को जोड़ के देखेंगे, यानी कि 88 और 72 को अगर हम जोड़ेंगे तो अगर हमारा 160 आ रहा है तो बिल्कुल हम सही सटीक में जा रहे हैं, अगर नहीं आ रहा तो हमारा गलत है। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, 8 × 2 = 10 और 7 × 8 = 15 160 आ रहा है। तो हम बिल्कुल सही तरीका से बनाए थे क्वेश्चन को, तो यहाँ पे हमारा 88 यहाँ पे बिल्कुल सही निकल के आ रहा है। और यहाँ पे देखिएगा 36 × 72 और 72 × 144 निकल के आया था, ये बिल्कुल सही फॉर्मेट में हम क्वेश्चन को बना रहे थे, इसमें कहीं कोई गलती नहीं थी। आई होप इसे समझ गए होंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत इजी प्रश्न होते हैं मगर उसे बनाने का तजुर्बा हमें नहीं होता है और हम उसे गलत कर बैठते हैं, उसी तरह का ये प्रश्न है। उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न की आकृति में रखने पर आकृति पूर्ण हो जाएगी। ये RRB का, RPF का, NTPC, UP पुलिस, SSC GD, SSC MTS, SSC CHSL, यानी कि हर एक एग्ज़ाम में ये पेपर, ये आपका प्रश्नाकृति का क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इसे इम्पोर्टेंट ही समझिएगा, गलती मत करिएगा इसे छोड़ने का एग्ज़ाम में, ओके। तो यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है समझिएगा, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए प्रश्नाकृति इधर नीचे में दिया हुआ है,
एक तरफ में यहाँ पे एक बना दिया गया है ऐसे करके, और चार यहाँ पे लाइनें खींच दी गई है। पहले में क्या किया गया, इधर से इधर एक त्रिभुज बनाया गया है, दूसरे में तो खाली है, तीसरे नीचे आते हैं तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे त्रिभुज बना दिया गया है। यानी कि नीचे वाला त्रिभुज अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो नीचे वाला त्रिभुज कैसे किया गया है, इस तरह से इस तरह इधर से बनाया गया। यानी कि इसका मुँह जो है इधर वाले त्रिभुज का अंदर में मुँह है, इधर वाले त्रिभुज का बाहर में मुँह किया गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी अंदर में ही इसका मुँह रखा गया है, ऐसे करके ऐसे बना दिया गया है। नेक्स्ट हम कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करें, अगर हम ये इसका मुँह बाहर, ये अगर इस अगर हम ऑप्शन ए को यहाँ पे लेते हैं, तो हमें यहाँ पे ऐसा चिन्ह प्राप्त होगा जो कि बिल्कुल सही बैठता है। हालांकि दूसरे को हम यहाँ पे लेके देखते हैं, अगर दूसरे को लेते हैं तो ये बिल्कुल इस तरह से जाता है, लेकिन हमें चाहिए इस तरह का त्रिभुज, हमें चाहिए यहाँ पे इस फॉर्मेट वाला त्रिभुज यहाँ पे हमें चाहिए, लेकिन ये फॉर्मेट में ऐसे में है, तो ऑप्शन बी तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिएगा तो इसमें इस फॉर्मेट में है, बाहर की ओर है जैसा कि नीचे में है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में अगर देखेंगे तो ये नीचे की ओर गया है जैसा कि इसमें है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन ए ही यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर निकल के आ रहा है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए और इम्पोर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है कि प्रश्न 6, 7 और 8 के लिए ये निर्देश है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यह SSC GD 2021, SSC MTS 2023 और BSSC और रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये क्या है कि स्याही है, स्याही से लिखना और दवा का यहाँ पे खाली जगह है। तो क्या समझिएगा, यहाँ पे ये जो स्याही होता है, ये स्याही का हम कार्य किस में लेते हैं, स्याही का कार्य होता है लिखना, यानी कि स्याही द्वारा ही लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से दवा का क्या कार्य होता है, दवा का कार्य क्या होता है, चिकित्सक जो होते हैं वो दवा दे, वो हमारी सेहत के बारे में बताते हैं, तो चिकित्सक यहाँ पे नहीं होगा। केमिस्ट जो होता है वो दवा देता है, ये भी नहीं होगा। लेकिन उपचार जो है वो दवा के द्वारा ही उपचार किया जाता है, टैबलेट यहाँ पे दवा में नहीं आएगा। तो उपचार यहाँ पे बिल्कुल आपका सही है कि दवा के द्वारा उपचार होता है, स्याही के द्वारा लिखावट होता है, लिखना स्याही का काम होता है, क्योंकि बिना स्याही के लिखा नहीं जा सकता। उसी तरह से बिना दवा के उपचार संभव नहीं है। ऐसे प्रश्नों में हमारे दोस्त फंस जाते हैं कि इस तरह के प्रश्न कैसे बनाएं, जो कि बहुत ही इजी प्रश्न होता है, बस समझने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। 11 का 169 दिया हुआ है, 18 का क्या होगा, यहाँ पे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 11 को अगर हम देखेंगे तो 11 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आता है, ठीक है। ठीक है, ऐसे करते हैं हम यहाँ पे। तो अगर हम 169 में 121 घटा देते हैं, समझिएगा, तो हमारे पास 8 और 48 यहाँ पे हमारे पास कम हो जाता है, यानी कि 121 में 48 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये पहले हम देखते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली सारे स्टूडेंट ऐसे ही बनाते हैं, बाकी मैं तो फॉर्मूला बताऊंगा ही। 8 64 का 4 हो गया, हाथ में 6 बच गया, और 8 8 कम 8 16 और 6 24 का 4 कम 8 8 कम 8 16 16 6 22 का 2 और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, 1 और 2 324 324 में 48 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8 4 12 का 2, तो 2 डिजिट लास्ट में किसी का नहीं है। तो ऐसे में मत आप लोग फंसिएगा, क्योंकि ऐसे में प्रश्न तो नहीं बनेगा, लेकिन आपका समय ज़रूर नष्ट हो जाएगा। तो इसमें आप लोग आगे पीछे बढ़ने का प्रयास करिएगा कि 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 आता है, लेकिन अगर 11 में 1 जोड़ देते हैं तो 12 हो जाता है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, कहिएगा सर 144 हमारा आता है। चलिए आगे और बढ़ते हैं, 11 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आएगा, और 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169 आएगा। अब समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि 11 में जो है वो 2 ऐड कर देना है तो 13 आ जाता है, ठीक है। तो 11 में जब 2 ऐड करते हैं तो 13 आता है, 13 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा कहिएगा 169 आ रहा है।
तो इस हिसाब से 11 प्लस में 2 का स्क्वायर कर दिया गया है, तो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया 169। सेम हम वैसे करते हैं, 18 प्लस का 2 और यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 18 और 2 कितना होता है, कहिएगा 20 होता है। 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, कहिएगा 400 आएगा। तो 400 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा, ना कि कोई और ऑप्शन होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को समझिएगा और फिर बनाइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और 1K+ इसका व्यू ज़रूर लेके जाइएगा। आगे ये प्रश्न है कि सिलाई का संबंध धागे से जिस तरह है, उसी तरह से लेखन का संबंध किससे होगा। अब आप लोग जिस तरह समझिएगा, धागे द्वारा ही सिलाई किया जाता है, यानी कि कपड़े की सिलाई धागे द्वारा की जाती है, तो लेखन का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, नेब के द्वारा किया जाएगा, कागज कलम स्याही के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन आप लोगों के मन में आ रही होगी कि लेखन का जो कार्य, धागे का कार्य होता है सिलाई करना, तो लेखन का कार्य, नीब का कार्य होता है लेखन करना, कागज का, सबसे पहले गलत को यहाँ पे हटा देते हैं, कागज का कार्य नहीं होगा। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन की संख्या बहुत ही कम बच जाती है, अब हमारे पास बिल्कुल कम ऑप्शन है। फिर भी अगर आप लोग कन्फ्यूजन है तो समझिए इसे। ओके, तो देखिए यहाँ पे कलम का कार्य होता है लेखन करना, समझिएगा, तो कहिएगा कलम से सीधे तौर पे नहीं लिखा जा सकता, नीब से लिखा जा सकता है, कहिएगा नहीं, लेकिन स्याही का प्रयोग हम यहाँ पे लेखन कार्य में करते हैं, क्योंकि स्याही का ही प्रयोग यहाँ पे लेखन कार्य में होता है। स्याही यहाँ पे बिल्कुल आपका सही बैठ रहा है। आगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिया हुआ है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो दूसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये RRB, NTPC, SSC, GD, SSC, MTS, SSC, CHSL, BRSSC, DLED और उत्पाद सिपाही BED के लिए भी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा प्रश्न आकृति में यहाँ पे सारा का सारा बायोडाटा दिया हुआ, जैसे ये है वैसे ही ये भी आना चाहिए हमारा। ऐसे प्रश्न में अक्सर ये होता है कि चारों तरफ से घूम के हम बीच में आते हैं और इसका आंसर बीच वाले में ही मिलता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे अब समझिएगा। ओके, यहाँ पे समझना है आपको, यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे 8 है, ठीक है, और यहाँ पे 9 है, ठीक है। पहले हम ये दोनों को फाइंड आउट करते हैं, क्या करेंगे हम यहाँ पे 8 को यहाँ पे 9 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे आपका 6 है, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 8×9 = 72 होता है, और यहाँ पे 10×6 = 60 होता है। जब दोनों को आपस में घटा देते हैं तो हमारा 12 निकल के आता है। तो अब यहाँ पे समझ गए होंगे कि 12 कैसे आया, सेम वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, बीच में यहाँ पे मिसिंग है नंबर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 6, पहले 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 को 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 9 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9×6 = 54 हमारा आ जाएगा। ओके, तो 56 को जब 54 से घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे 2 निकल के आएगा, 2 केवल और केवल ऑप्शन सी में है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर निकल के आ रहा है। आई होप आज के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहे होंगे और आपको आपके आगामी एग्जाम में 100% सफलता दिलाएगी। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। RRB, RPF, SSC, GD, MTS, BED, DLED, Army, BRSSC के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसे फाइंड आउट करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे सभी दोस्त इसका आंसर ज़रूर करेंगे और बेहतरीन ढंग से करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए बेहतरीन प्रश्नों के पैटर्न में, एक नए प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।